हमारे देश में हर साल लाखों गाड़ियां चोरी होती हैं और इन चोरी हुई गाड़ियों में से बहुत कम केसेस में गाड़ियां रिकवर होती हैं। लेकिन अब एक ऐसी तकनीक हमारे देश में आ रही है कि अगर वो सही ढंग से लागू हो गई तो देश में गाड़ियां चोरी होनी काफ़ी कम हो जाएंगी, और अगर गाड़ी चोरी होगी भी तो उसे पकड़ना आसान हो जाएगा। क्या है ये टेक्निक, आइए बात करते हैं आज की इस ग्राउंड रिपोर्ट में। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है, मैं हूं मनिंदर सिंह, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। जिस तकनीक की मैं बात कर रहा हूं उसका नाम है माइक्रोबॉट्स। जी हाँ, ये तकनीक दुनिया के अन्य हिस्सों में काफ़ी सालों से इसका इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन भारत के अंदर ये तकनीक काफ़ी नई है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए केंद्र सरकार ने 24 जुलाई 2019 को इसके बारे में एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी की थी, और अब 18 दिसंबर 2019 को इसकी फाइनल नोटिफिकेशन आ गई है, जिसमें माइक्रोडॉट टेक्नोलॉजी किस तरह से यूज़ होगी, किस तरह के माइक्रोडॉट्स होंगे, वो तमाम चीज़ें बता दी गई हैं। जो हमारे सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स हैं उसका रूल नंबर 92 सब क्लॉज 4 एक ऐड कर दिया गया है, और इसमें स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया है AIS 155 के तहत ये माइक्रोबॉट्स लगाए जाएंगे। अब मुद्दा है कि माइक्रोबॉट्स हैं क्या और ये कैसे काम करते हैं। मैं अगर आपको आसान भाषा में बोलूं कि जैसे हम सभी को हमारे देश में आधार कार्ड दिया गया है जिससे हमारी आइडेंटिफिकेशन होती है, हर व्यक्ति का आधार नंबर जो है वो दूसरे व्यक्ति से डिफरेंट है, लेकिन वो एक सिर्फ कार्ड के रूप में है और आप चाहें तो अपनी जेब के अंदर डाल सकते हैं, चाहें अपने घर में रख सकते हैं। लेकिन ये क्या है, ये इस तरह से है कि जैसे आपके पूरे शरीर पे, हर हिस्से पे आधार कार्ड का नंबर चिपका दिया जाए, प्रिंट कर दिया जाए, इस तरीके से है, लेकिन आपके लिए नहीं, आपकी गाड़ी के लिए। इसमें होता यह है कि जब गाड़ी बनकर तैयार हो जाती है उसके बाद गाड़ी के जो मुख्य पुर्जे हैं, लगभग सारे ही पुर्जे आप कहें, उनके ऊपर एक स्प्रे कर दी जाती है जिसमें से छोटे छोटे डॉट्स निकलते हैं। ये डॉट्स पॉलीमर डॉट्स होते हैं और एक डॉट का जो साइज़ है वो 1 मिलीमीटर से भी कम होता है। बेहद छोटे ये डॉट्स गाड़ी के ऊपर स्प्रे कर दिए जाते हैं, चाहे एक्सल हो, इंजन हो, पंप हो, चेसी हो, हर वो मुख्य इम्पॉर्टेंट पार्ट जिसे निकाल कर बेचा जा सकता है उसके ऊपर ये स्प्रे कर दिया जाता है। टायरों के रिम, रेडिएटर, हर जगह पर आप कर सकते हैं इसको। जब ये माइक्रो डॉट्स गाड़ी के ऊपर स्प्रे कर दिए जाएंगे उसके बाद अगर आप नॉर्मल आंख से देखेंगे तो आपको सिर्फ डॉट ही दिखाई देगा, लेकिन अगर एक खास तरीके की ये माइक्रोस्कोपिक अल्ट्रावायलेट लाइट है उसके जरिए अगर आप इसको देखेंगे तो इसके अंदर इंफॉर्मेशन का एक भंडार नजर आएगा। जो पूरी इंफॉर्मेशन इसके अंदर नजर आएगी उसमें एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, जैसे हमारा आधार का नंबर होता है, वो पूरी गाड़ी में जो स्प्रे किए गए हैं माइक्रो डॉट्स सभी में, सभी डॉट्स के अंदर सेम इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जिससे वो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर पता चल जाएगा और गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर से गाड़ी के मालिक का पता चल जाएगा। अब होगा ये कि जिसके ऊपर माइक्रो डॉट लगे हैं, ऐसी तकनीक में इसमें कुछ नहीं है कि गाड़ी चोरी नहीं होगी, गाड़ी चोरी हो सकती है, लेकिन चोरी होने के बाद उसे ढूंढना आसान हो जाएगा। अब आप देखिए कि हमारे देश में जो गाड़ियां चोरी होती हैं उनका बाद में होता क्या है, ज़्यादातर केसेस में गाड़ियों को चलाया नहीं जाता है, बहुत कम केसेस में होता है कि गाड़ी का हुलिया बदल दो, गाड़ी का नंबर कोई और लगा दो, उसके बाद उसको किसी दूसरे हिस्से में देश के चलाते रहो। लेकिन ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि गाड़ी के सारे पार्ट्स को अलग अलग कर दिया जाता है, इंजन अलग, पंप अलग, तो एक्सेल अलग, हर चीज़ अलग कर दी जाती है और फिर उसको जो है मार्केट में बेच दिया जाता है। बहुत सारी ऐसी मार्केट्स आप जानते हैं हमारे देश के अंदर जहां पर चोरी हुए वाहनों के पुर्जे जो है बेचे जाते हैं, लेकिन हमेशा हम सोचते हैं कि जब हमें पता है कि जहां पर चोरी के जो है पार्ट्स वो बेचे जाते हैं तो जो पुलिस है उनको पकड़ दी क्यों नहीं है, पकड़ इसलिए भी नहीं पाती है, एक तो चलिए चाहते ही नहीं है, और दूसरा इसलिए भी पकड़ नहीं पाते क्योंकि मान लीजिए आपको पता भी चल गया कि आप मार्केट में गए और आपको वहाँ पे एक्सेल दिखा और किसी तरीके से आपको पता है कि ये एक्सेल मेरी चोरी हुई गाड़ी का है, लेकिन आप साबित कैसे करेंगे। लेकिन अब इस माइक्रो डॉट टेक्नोलॉजी से आप साबित कर सकते हैं। मान लीजिए पुलिस कहीं ऐसी जगह रेड करती है जहां पर चोरी हुई गाड़ी को स्क्रैप किया जाता है, कई हमने स्टोरी दिल्ली के आसपास भी ऐसे कई इलाके हैं वहां पर चोरी की गाड़ियों को स्क्रैप किया जाता है, लेकिन स्क्रैप किए हुए पुर्जे से हम पता नहीं लगा सकते कि ये कौन सी गाड़ी का पुर्जा है और ये गाड़ी किसकी थी। लेकिन अगर एक पुर्जा भी आपकी चोरी हुई गाड़ी का वहां से मिल गया और उसके ऊपर माइक्रो डॉट हुए तो उसे रीड करके
साबित किया जा सकता है कि ये जो एक पुर्जा छोटा सा मिला है तो ये कौन सी गाड़ी का है और कौन इसका मालिक था और ये गाड़ी चोरी हुई थी, तो सीधे सीधे उस व्यक्ति को है चोरी के केस में या चोरी का माल खरीदने बेचने के चक्कर में अरेस्ट किया जा सकता है। तो होगा ये कि अगर ये टेक्नोलॉजी देश में पॉपुलर होती है तो पहले तो जो चोरी हुए जो वाहन है उनको रिकवर करना आसान होगा, और धीरे धीरे जब चोरों को ये पता चलेगा कि इस तरीके की टेक्नोलॉजी है तो हो सकता है कि जो चोरियां हैं वो ही थोड़ी कम हो जाएं। विदेशों में इस टेक्नोलॉजी का असर हुआ है, हमारे देश में कितना होगा ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। वाहन चोरी हमारे देश में कितनी बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है पहले इसके बारे में भी आपको बता दें, 2018 में सिर्फ दिल्ली के एरिया में एक साल में 44,000 गाड़ियां चोरी हुई, और इन 44,000 केसेस के अंदर सिर्फ 20% केस सॉल्व हो पाए कि किसने गाड़ी चोरी की थी ये पता लग पाया, लेकिन रिकवर सिर्फ 10% हुई। जो मैंने बात शुरू में कही कि 90% केसेस के अंदर गाड़ी रिकवर ही नहीं होती है, उसका कारण यही है कि उसका पुर्जा करके उसको बेच दिया जाता है और पुर्जों से गाड़ी का पता लगाना बेहद मुश्किल हो जाता है। यही है इस टेक्नोलॉजी का फायदा। ऐसा नहीं है कि जो माइक्रो डॉट के अंदर एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो अब हमारी गाड़ियों में नहीं होता है, होता है, उसे VIN बोला जाता है, VIN व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर, लेकिन ये 3 या 4 जगह पर ही लगा होता है, जैसे गाड़ी के शीशे हो गए, चेसी हो गई, वहां पर ये नंबर लिखा रहता है, लेकिन उसके बारे में चोरों को भी पता होता है और वो उसको नंबर को सबसे पहले मिटाया जाता है। उसके अलावा चेसी नंबर होता है, इंजन नंबर होता है, वो भी एक अलग यूनिक नंबर होते हैं, लेकिन उनको भी मार्केट में बहुत से तरीके आ गए हैं कि उसको किस तरह से ख़राब करना है, ख़त्म करना है, रब करना है और नया नंबर उसके ऊपर लगाना है। तो ये सारी जो टेक्नोलॉजी थी वो फेल हो चुकी है इस केस में, लेकिन माइक्रो डॉट की जो टेक्नोलॉजी है, एक तो हजारों लाखों जो डॉट्स हैं गाड़ी के अंदर होंगे उन्हें मिटाना ही संभव नहीं है, एक को ढूंढना और फिर मिटाना तो ये संभव नहीं है, इसी वजह से ये टेक्नोलॉजी है वो देशों में कामयाबी हुई है। भारत में ऑलरेडी माइक्रोडॉट टेक्नोलॉजी की कई कंपनियां आ चुकी हैं, एक साउथ अफ्रीका की कंपनी है जो लगभग $1 करोड़ इस काम में निवेश करेगी, और बहुत जल्द अब सरकार ने भी नोटिफिकेशन जारी कर दी है, तो बहुत जल्द आपके पास ये ऑप्शन होगी कि आप माइक्रोडॉट अपनी गाड़ियों में लगा सकेंगे, जो गाड़ियां पुरानी हैं उसके ऊपर भी आप इसका स्प्रे करवा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये टेक्नोलॉजी पसंद आई होगी, लेकिन इसके साथ ही आप सोच रहे होंगे कि साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है और किस तरह की टेक्निक्स मार्केट में आ रही हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो टेक्निक है ये कोई नई नहीं है बल्कि कई 100 साल पुरानी है। 1870 में फ्रांस और ईरान, उस समय पर्शिया बोला जाता था, उनके बीच में एक जंग हुई थी जहां पर जो कबूतर थे कबूतरों के जरिए संदेश भेजे जाते थे, आप भी जानते हैं, आपने कई मूवीज देखी होंगी, कहानियां सुनी होंगी, लेकिन वहां पर एक दिक्कत थी, जो कबूतर की कैपेसिटी थी वो ज्यादा से ज्यादा एक छोटा कागज अपने साथ ले जा सकता था, लेकिन कई केसेस के अंदर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन भेजनी होती थी। उस केस में तब भी एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई गई थी कि बहुत ज़्यादा जो टेक्स्ट मैटर है उसको बहुत एक छोटी सी जगह में लिख दिया जाता था और कबूतर के जरिए भेजा जाता था, और बाद में माइक्रोस्कोप जैसी चीज़, कोई लेंस टाइप चीज़ से उसको पढ़ लिया जाता था। तो ये इसका इस्तेमाल बहुत सालों से हो रहा है, अभी सिर्फ इसका रूप बदल गया है। इसके साथ ही आपको एक और छोटी सी जानकारी दें कि साउथ अफ्रीका के अंदर ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, माइक्रो डॉट्स अपने वाहन के ऊपर लगाना कंपलसरी है, सिर्फ एक ही देश में दुनिया में है, बाकी जगह वैकल्पिक है, आपकी मर्जी है, लेकिन साउथ अफ्रीका में ये कंपलसरी है। उसका कारण ये है कि साउथ अफ्रीका एक ऐसा देश है जहां पर गाड़ियां चुराने के चक्कर में बहुत सारे कत्ल भी हो रहे हैं, मर्डर हो जाते हैं गाड़ी छीनने के चक्कर में, इसलिए सरकार ने ये टेक्नोलॉजी वहां पर इस्तेमाल करना इसको कंपलसरी किया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये टेक्नोलॉजी जल्द भारत में उपलब्ध होगी, कम दामों में उपलब्ध होगी, और सबसे बड़ी बात, ये टेक्नोलॉजी आ भी जाए उसके बाद पुलिस का रोल तो फिर भी अहम रहेगा कि माइक्रो डॉट लगे हैं, गाड़ी चोरी हो गई, लेकिन कोई तो ऐसा चाहिए पुलिस के अंदर ये टेक्नोलॉजी चाहिए कि वो जाके माइक्रो डॉट्स को रीड कर सके, और माइक्रोस्कोपिक जो लाइट है वो पुलिस के पास, इन्फोर्समेंट एजेंसीज के पास होनी चाहिए, उन्हें भी इसका इस्तेमाल करना आना चाहिए, तभी ये टेक्नोलॉजी जो है वो कारगर साबित होगी। आपको ये टेक्नोलॉजी कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से देश में गाड़ियों की चोरी कम होगी? हमें ज़रूर बताइए अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर। फेसबुक पर अभी तक अगर आपने हमारा पेज लाइक नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाए बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।